सब्सक्राइब कीजिए करियर डेवलप्ड यूट्यूब चैनल को और इस घंटे के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिल सके सभी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको अगली वीडियो में दिखाया था इस मशीन के बारे में कि इस मशीन का प्रयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या इसका डिटेल है, सब हमने आपके साथ इसको शेयर किया था, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की कटाई के बाद अब प्रोसेस होता है इसके दवाई का, जिसमें लोग पहले कुछ इस प्रकार से पीटते थे जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता था और इस वक्त के कारण लोगों को काफ़ी समय और उनकी पैसे की भी हानि होती थी, इसीलिए अब एक नई मशीन आ गई है जिससे दवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही दवाई करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है बोझ को, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोझ को इकट्ठा किया जा रहा है जिसके बाद इसकी दवाई शुरू होगी। तो दोस्तों इस मशीन का नाम है नवीन पैड्डी हार्वेस्टर। तो आप सबसे पहले इसके कार्यों को देख लीजिए कि इस किस प्रकार से यह कार्य करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह कुछ उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से हम गेहूं की दवाई करते हैं, उसी प्रकार से यह मशीन भी वर्क करता है धान के फसल की दवाई के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस मशीन के प्रयोग कहां कहां पे हम कर सकते हैं, जैसे कि इस मशीन का प्रयोग हम क्या गेहूं की फसल के दवाई के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि इस मशीन के प्रयोग द्वारा हम दोनों फसल की दवाई कर सकते हैं गेहूँ और धान की, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं उसके बारे में भी हम बताएंगे कि इसका प्राइस कितना है, और कुछ लोगों का इसके आरपीएम से लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि यह कितने आरपीएम पर वर्क करता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, सब हम आपको बताने वाले हैं। और अंतिम जो लोग इसके मतलब इससे अपने फसल को दवाते हैं उनको उनका जो क्वेश्चन होता है कि वह यह जो पूरा देता है वह किस प्रकार से देता है, इस उस पूरे का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और जो धान अर्थात जो हम धान बोरी में भरते हैं वह किस प्रकार से होता है, कि उसका प्रयोग मतलब कि वो बराबर से देता है या फिर नहीं, ये सब भी हम जानकारी आज के इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यह मशीन किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसके बाद हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक बात यहाँ पर नोटिस ज़रूर किया होगा कि यह मशीन जो है वह गेहूं के दवाई करने वाले मशीन से थोड़ी सी बड़ी है, इसी कारण यह केवल धान के फसल की दवाई करती है। आप एक बात जान लीजिए कि यह केवल धान के फसल की ही दवाई करती है। कुछ लोगों का इससे रिलेटेड जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि यह केवल धान के फसल की ही दवाई कर सकती है, गेहूं की फसल की दवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इसका प्रोसेस और सिस्टम कुछ उसी प्रकार से है जो कि केवल धान के दवाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जो आपको लोगों का जो दूसरा प्रश्न था इससे इसके प्राइस से रिलेटेड था कि इसका प्राइस कितना है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों इस मशीन का वह है 1,80,000, और दूसरे मशीन का प्राइस थोड़ा सा आगे पीछे रह सकता है और ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यह नवीन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का यह मशीन है, तो ये आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से अभी दवाई कर रहा है। और जो लास्ट और तीसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो था ये कि यह कितने आरपीएम पर वर्क करता है। तो इस मशीन को जब हमने ख़रीदा था तो वहाँ पर मतलब उन्होंने बताया था कि यह 17 आरपीएम पर वर्क करेगा, पर यहाँ पर अभी जो इस समय हम इसका यूज़ कर रहे हैं वह 21 आरपीएम पर इसका यूज़ कर रहे हैं, अर्थात यह 21 आरपीएम पर चल रहा है, और आगे पीछे भी हो सकता है आरपीएम, जहाँ से भी आप मशीन लें उससे आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि यहाँ पर जो ऊपर से धान आती है वहाँ पर इन दो मशीनों द्वारा अर्थात इन दो फैनों द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है, अर्थात उसे ओसाया जाता है आप एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फैन लगे हुए हैं और 3 इसका मुख है जिसके द्वारा इसका प्यूरीफाई या फिर धान को शुद्ध किया जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से इसका प्रोसेस है, और धान इससे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है, और यह इसका पूरा है। लास्ट में आपको बताएंगे कि पूरा कैसा देता है।
और यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से वर्क कर रहा है और थोड़ा सा मशीन बड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तीन इसमें फैन लगे हुए हैं। इसका जो मॉडल नंबर है वह है 2019-2020 का, अर्थात यह हाल ही में बना हुआ मशीन है। तो दोस्तों दवाई का जो प्रक्रिया था वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे का बहुत बड़ा गट्ठा अर्थात ढेर लग गया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे। और चलिए इसका थोड़ा सा परीक्षण भी कर लेते हैं कि अर्थात क्या क्या कैसे या पूरा ये फेंकता है, मतलब देता कैसा है, कटिंग करता है या फिर नहीं। तो आप देख पाएंगे ये जो पूरा होता है, या देखिए आप देखेंगे यहाँ से हमने उठाया और ये देखिए ये पूरा पूरा सम्मा है, अर्थात ये इसकी कटिंग उटिंग नहीं करता, बस वैसे ही इसको निकाल के फेंक देता है। और आप देखेंगे इन सबको भी ये कटिंग बिल्कुल नहीं करता, बस उसके जिस प्रकार से ये लगाया जाता है उसमें से धान को निकाल के अलग करके दे देता है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आगे वाला तीन फैन वाला पार्ट था उसके द्वारा ये फेंका गया है, अर्थात उसको प्योरीफाई करके यहाँ पर फेंका गया है। और इसमें देखेंगे क्या धान ओन आता है कि नहीं, तो आप देखेंगे धान ओन तो इसमें बिल्कुल नहीं है। और इधर भी आप देख लीजिए धान इसमें नहीं आता। और चाहे तो आप इसको बांध के भी रख सकते हैं रस्सी नुमा, अर्थात इसको गट्ठर बना कर भी रख सकते हैं। और आगे वाली प्रक्रिया में आप चाहे तो इसको यहीं पर पड़े रहने दें, बरसात होने के बाद यहीं पर सड़ जाएगा, आप खेत में डायरेक्ट इसको डाल के यूज़ कर पाएंगे। तो ये थे कुछ प्रोसेस। और पीछे आप देख सकते हैं प्योरीफाई करते समय कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धूल उल को भी हटा देता है कोई भी। और जो भी और प्रश्न रहेंगे आप पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।